के तरफ से जो मैंडेट दिया था, तो हमारे सुशील कॉन्स्टिट्यूंसी से मंडल पैनल में हम तीन लोगों का नाम था, जिसमें एक हमारे सिटिंग काउंसलर ईसी साहब का नाम था, दूसरा मेरा नाम और तीसरा गेनले का नाम था लामा जी का। तो हम तीनों में से तो लास्ट में मैंडेट जो गेनले को दिया था, जो कि आज तक गेनले हमारा ना पार्टी का एक वर्कर था ना हमारा उनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो हम जितने भी यहाँ पे वर्कर्स हैं, हम 2013 से इसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो हमने 2013 से लेकर आज तक पूरा पार्टी के लिए हमने काम किया। इसमें जुड़े रहने का नहीं, पिछले इलेक्शन में जैसे कि 2014 में एमपी इलेक्शन में हमने हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसी तरह काउंसिल इलेक्शन, फिर दोबारा 2019 में भी एमपी इलेक्शन, हमने दिन भर रात मेहनत करके इतना पार्टी को आगे लाया। तो आज हमारे लिए इतना दुख की बात है कि हमें पूछता भी नहीं है, बिना पूछे किसी मंडल के एग्जीक्यूटिव को, तो ना मंडल प्रेसिडेंट, ना वाइस डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट, ना इसी साहब को, बिना पूछे सीधा ऊपर से थोपा जा दे रहा है कि मैंडेट को इस तरह। तो हमें बहुत दुखी है, इसलिए आज हमने अपने पार्टी से रेजिग्नेशन दिया हुआ है और साथ ही साथ हम मंडल को डिसॉल्व किया हुआ है। लोबजंग ने बताया, पहले तो मैं आज जो भी जितने भी कैंडिडेट अभी इलेक्शन के लिए जो उतारे हैं उन सबको मैं विश करना चाहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा। वो सभी मेरा फ्रेंड है, सभी मेरा कलीग है। तो बाकी मेरे लिए एक अजीब सा एक डिसीजन पार्टी की ओर से हुआ, तो उस पर बिल्कुल सरप्राइज़ हूँ। मैं एज ए काउंसलर मैंने काम किया है, अभी मैं आप सबके सामने मैं ये लिस्ट रखता हूँ जिसमें 144 का लिस्ट है जो काम बने मैक्सिमम। ये एक ऐसा काम है जो 5 लाख से ऊपर ऊपर का काम जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ, 12 गाँव है, 4 पंचायत हल्का है। तो एज ए ईसी मैंने काम किया है, तो उसमें भी बहुत सारे काम जो चंगतंग के लिए भी बनाए और लद्दाख इन जनरल में जनरल भी मैंने एज ए काम अभी हुआ है। जैसे एजुकेशन में देखा जाए तो जितने भी रेजिडेंशियल स्कूल है उसको रेगुलराइज करने का जो पुरानी एक जो पेंडिंग था वो मेरे दौरान हुआ। और ले में एनसीसी जो खाली 2 स्कूलों में ही एनसीसी था, तो अभी 10 स्कूल और ऐड हो गया है, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा। और तीसरा चंगतंग के लिए एक स्पेशल पैकेज जो 245 करोड़ जो सेंक्शन किया था एमएचए की ओर से, तो उसमें 2015 से मैं परस्यू कर रहा था, तो फाइनली ये सेंक्शन हुआ, उसमें मेरा पूरा इसमें रोल है। क्योंकि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी मैक्सिमम इस प्रोजेक्ट में बेनिफिशरीज है। दूसरा बाकी और लद्दाख में जितने भी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल है उसको राउंड ईयर चलाने के लिए पूरे हमने प्रपोजल डाल रखा है कि सेंट्रल हेडिंग वगैरह करके, वो भी एज ए ईसी मैंने काम किया। दूसरा चंगतंग के लिए जो पश्मीना हमारा मेन एसेट है, तो उसके लिए भी पॉलिसी पूरी तरीके से बनी हुई है, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से ये नहीं हो पाया, लेकिन वो भी ये हो जाएगा। तो ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है। बाकी अगर कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो ये मैंडेट जो है मेरे, ये मुझे मिलना चाहिए था। अगर मेरे पे कोई पर्सनल कोई प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट मंडल प्रेसिडेंट हमारा मेंबर की ओर से ये पैनल में डाला हुआ था, उनको तो कम से कम मिलना चाहिए था, लेकिन ये एक सरप्राइज डिसीजन है, तो उसमें हम बिल्कुल सहमत नहीं है। तो इसीलिए आज हम सब सुशुल में से 3 पंचायत हल्का जो मनपंगुंग ए है, बी है, करगम है, वहाँ से बीजेपी कम्प्लीटली हम डिसॉल्व कर रहे हैं। तो बाकी यही कहना है, आज का जो कल का जो पार्टी की ओर से जो डिसीजन हुआ वो एक मीन्स अच्छा डिसीजन हम नहीं मानते हैं, तो ये कहना चाहूँगा जी। मैं पहले जैसे मंडल लोबजंग जी ने बताया, अगस्त में हमारा स्टेट वाइस प्रेसिडेंट ग्यालपो साहब ने एक टूर किया पूरे चंगतंग रीजन में, तो उन्होंने अपने हिसाब से डिसीजन दे के आया कि न्योमा में इसको देना है, कोरजोक में इसको देना है, चुशुल में इसको देना है, और टंगसे में इसको देना है, रोंग में इसको देना है करके। तो आज जो हम देख रहे हैं तो उसी हिसाब से हो रहा है, तो उसका एक पर्सनल क्लियरली हम देखा जा सकते हैं। क्योंकि ग्यालपो साहब मेरे जब कंस्टिट्यूंसी में जब गए तो उस टाइम पे उन्होंने पर्सनली मुझे कई अटैक किया है कि ये काम नहीं हुआ है, वो काम नहीं हुआ है करके, ऐसा कभी बहुत कुछ हुआ है। तो उस हिसाब से ग्यालपो साहब ने ये भी बोला कि चंगतंग का पांचों मैंडेट जो है उनके हाथ में है,
करके बोला। तो उसी हिसाब से आज नतीजा भी उसी हिसाब से ही हो रहा है। तो उससे शायर क्लियर है कि इसमें दाल में कुछ काला है, तो यही है। बाकी तो एज ए अगर काम से अगर देखा जाए तो कंट्रीब्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो हम सब वर्कर्स हैं, पिछले 7-8 सालों से हम बीजेपी से जुड़े हैं, तो उसी हिसाब से कम होना चाहिए था। बीजेपी आज जैसे छुछुल में दे रहे हैं तो बाकी वर्कर्स तो यहाँ है, वो तो सब अब यहाँ अभी आज यहाँ डिसॉल्व कर रहे हैं। छुछुल में तो एक अलग सा एक डिसीजन होके वहाँ पे खड़ा किया, तो उस हिसाब से हो रहा है। तो फिर इसे क्लियर हम इंडिकेट मीन्स क्लियर हम वो कर सकते हैं कि इसमें कुछ है करके। जी अभी हाल ही में आपका जो सोशल सर्विस हो वहाँ पर या तो आपका डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो, दोनों को आपका खुद का जो एमपी साहब है जो पार्टी प्रेसिडेंट है उन्होंने काफी तारीफ की थी, मतलब ट्विटर में भी उन्होंने शेयर की थी आपने बहुत अच्छा काम किया कर। जी अब मतलब पावर किसके पास है, कि सेंट्रल पार्टी है, लोकल पार्टी है या तो गैपो जी है? नहीं, आप एमपी साहब रिसेंटली स्टेट की प्रेसिडेंट बनाया तो उसके साथ साथ एमपी साहब को पावर भी एम्पावर किया है और एम्पावर किया है कि उनको अल्टीमेट डिसीजन भी वही दे सकते हैं करके। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें और बाहर का ओ हायर अथॉरिटी से कुछ ऐसा हुआ हो, लेकिन एमपी साहब फाइनल अथॉरिटी है। लेकिन गलपुर साहब का भी एक वो है, गलपुर साहब पहले रिज़ाइन दिया, इसके बाद फिर पार्टी में आए, उसका एक कंडीशन हुआ होगा तो उसी हिसाब से ये सारा हुआ होगा। बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई किसी से वो नहीं है, मैं अपने काम से काम मतलब रखता हूँ, मैंने काम किया लोगों के लिए काम किया। मैं भी वही पूछ रहा था। जी आपका काम को उन्होंने तारीफ की थी आपको? जी लेकिन आप ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है इसका क्या रीज़न है करके उन्होंने मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं रखा, इवन मेरे मंडल प्रेसिडेंट के सामने भी नहीं रखा। अगर ये रीज़न है और कुछ रीज़न है तो बोलना चाहिए, अगर मेरे को नहीं मिल रहा है तो आपको इस कारण से नहीं मिल रहा है, ये तो एटलीस्ट बोलना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं बोला बिल्कुल बिना पूछे। एक मैंने दो दफ़ा एमपी साहब को मैंने फ़ोन किया था भाई क्या है करके, लेकिन उन्होंने फ़ोन तक नहीं उठाया। तो बिल्कुल मीन्स टोटल हमें ब्लाइंड है, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है इसका रीज़न क्या है करके। तो वो तो वो एमपी साहब को पता है क्या रीज़न है करके, और जैसे गलपो साहब ने कमिटमेंट दिया उसी हिसाब से हुआ, तो गलपो साहब रीज़न जैसे इसका रीज़न बता सकते हैं, मेरे पास कोई रीज़न नहीं है। मुझे यही है कि हमें मैंडेट जो है सही नहीं हुआ करके यही बोलना है। जी सबसे पहले तो मुझे बहुत अफसोस की बात, अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में सीनियरों का बिल्कुल ही टोटली वैल्यू नहीं रहा। पहले जो था बीजेपी भाजपा सरकार जो लेह में है बहुत अच्छा खासा चल रहा था, अब जो है मुझे नहीं पता है ये कहाँ से कौन सा वो ये विजन आ रहा है, कौन सा वो चल रहा है, मुझे कुछ नहीं पता है। जो सीनियर लीडरों के साथ जो मेरे वेटरन लीडर्स जो का थुपसन जी और का दुर्जय जी के साथ हुआ, मुझे लगता है उन दोनों ने रिज़ाइन सोच समझ के दिया, हमें भी उसी वक्त देना चाहिए था। लेकिन अभी हम बहुत बहुत पछतावा हो रहा है कि हम तब भी हम पार्टी के साथ लॉयल काम करते रहे, जो आज तक हुआ वो नहीं होना चाहिए था। डिसीजन लिया वो बहुत गलत डिसीजन लिया, हमारे इसी जो कंचोक साहब है उनको भी मैंडेट नहीं दिया गया, गेनंगटा साहब है उनको भी मैंडेट नहीं दिया गया, जो नए नए लोग जो आ रहे हैं उनको मैंडेट दिया जा रहा है। हालांकि मैं खुद सईदा लद्दाखी, मैं खुद जो 15 साल से बीजेपी में हूँ और मैं पार्टी के साथ लॉयल रह के आज तक काम करती आ रही हूँ, और हमारे छुछोत में जितने भी अभी तक जो काम हुआ 2-4 ब्रिजेस हुआ, लेकिन 2 ब्रिजेस को तो अभी कोई ये तरकोल भी अभी नहीं बिछाया है। अभी जो 2 हुआ है वो भी आप लोगों को पता है, वो टेढ़ा मेढ़ा जो ऊपर नीचे जो है उसका स्थिति ऐसा है, अगर विंटर में बर्फ़ पड़ जाएगी तो सीधा दुकानों में गाड़ियाँ घुसेगी। मैंडेट दिया गया जो मैं छुछोत से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ, तो छुछोत के लिए अभी कोई डेवलप नहीं है। जो मेरे मुझे माइनॉरिटी का ये काउंसलर दिया गया, लेकिन इस काउंसलर में जितने भी मैंने 3.5 साल मेरे पास आया था, 3.5-4 साल, उन 4 सालों में हमारा मुद्दा था जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करती हूँ, मैं जिसको रिप्रेजेंट करती हूँ, लेकिन हमारा ईदगाह का बहुत बड़ा मुद्दा था। ये जो ईदगाह का मुद्दा जो है हम आप लोगों को दे देंगे, लेकिन जो ईदगाह जो है ईदगाह के बाद हम दे देंगे, आज कल परसों अपने सीट के लिए अपने वो काम के लिए ये करते आ रहे हैं। लेकिन आज मुझे बहुत तकलीफ़ के साथ, बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है,
ईद के दिन उन्होंने पोलो ग्राउंड से उन्होंने अनाउंस किया था कि आप लोगों को ईदगाह हमने दिया है, लेकिन अगर ईदगाह नहीं मिल रहा है अभी तक हमें, मेरे कम्युनिटी को जहां पर सजदा करने के लिए हमें जगह नहीं दिया गया अभी तक लद्दाख में, बीजेपी जो है हमारे साथ धोखा कर रहा है, ये दुगली पॉलिसी चल रहा है और ये सिर्फ जुमला पार्टी है, जो भी कहा अभी हाथ में कुछ नहीं आया है, ऐसे ही इनॉग्रेशन कर रहा है, पत्थर रख रहा है और पत्थर रखे ऐसे झूठ पे झूठ बोल के बीजेपी को अपने सीट के लिए ये लड़वा रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है, नथिंग ट्वेल्थ। मैं समझती हूँ कि अभी मैं लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ, मैं अभी सोचती हूँ कि मुझे सिक्स शेड्यूल के साथ देना जाना चाहिए था, लेकिन मैं हैरान हूँ कि लद्दाख पूरा, जो हमारे रिम्पोछे जी है, जो हमारे थुपसान साहब जी है, जो हमारे जोरा साहब है, जो हमारे श्री लखरुख साहब है, वो सारे वेटरन लीडर, मेरे रिलीजियस पार्टी के हेड सारे सड़कों पर आया हुआ था और हमें मैंडेट ना देने के बावजूद नहीं दिया गया। जो जितने भी सीनियर लीडर्स है, किसी को 30 साल हो रहा है यहाँ बीजेपी में बैठ कर, किसी को 40 साल हो रहा है, किसी को 20 साल, किसी को 15 साल हो रहा है, उनको सारा निकाल के, उनको निगलेक्ट करके उनको मैंडेट नहीं दिया गया और इस बार हमने लड़ना था और मुझे भी यहाँ पर इग्नोर कर दिया गया। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूँगी कि मैं अपने वोटर्स पे, अपने लोगों पे मुझे भरोसा है, मेरे पब्लिक पे भरोसा है जो छुशोत से हैं, यूथ जो है, ये महिला मोर्चा जो है, यहाँ से पेरेंट्स जो है, सबका विजन मेरी ही तरफ है, सईदा लद्दाखी ने काम किया है तो इनके साथ हमें जाना चाहिए। मैं इनको लेके, इनको पूछ के मैं कोई डिसीजन लेना चाहूँगी, ऐसी बात नहीं है। मुझे हर जगह से अभी ऑफर आया है, कांग्रेस का भी अभी मुझे ऑफर आया है, एनसीज ने मुझे श्रीनगर से मुझे अभी रिसेंटली ही फ़ोन किया है, अभी असलम वानी साहब का वहाँ से भी फ़ोन आया कि आप लोग यहाँ पे आप खड़े हो जाओ, हम आपको मैंडेट दे रहे हैं। अभी आप पार्टी में सोच रहे, थोड़ी देर के बाद वो मैंडेट भी अभी मेरे तरफ आ रहा है, लेकिन मैं सोचूंगी, मैं अपने लोगों से पूछूंगी, वो जो डिसीजन लेगा मैं उनके साथ जाना चाहूंगी। मैं ये पैगाम देना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी जो अब है, पहले जो था बहुत अच्छा चल रहा था, जो अब बीजेपी के लोग है ये दुगली पॉलिसी है और इनका जो है ये ऐसे ड्रामा चल रहा है, सिर्फ वोट के लिए ये झूठ पे झूठ बोला जा रहा है और हम लोगों को समझने की जरूरत है। सीट मिलना चाहिए जो काउंसिल में इसी एग्जीक्यूटिव काउंसलर वुमेन का होना चाहिए। मैं फिर भी ये, मुझे नहीं लगता ये फिर झूठ बोलेगा, नहीं देंगे ये झूठ पे तो ये कायम ही है बीजेपी जी। इसके कारण सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, सबसे पहले तो मैं बीजेपी में था, इससे पहले मैं एलयूटी में था, तो एलयूटी में वक़्त तो थुपतान साहब और सिरिंग साहब दोनों था, हमारे सबसे पुराना लीडर, सबसे ऑनेस्ट लीडर दो था, तो उन्होंने बोला कि हम ऐसे एलयूटी में काम इतना नहीं चल रहा है, इसलिए हम बीजेपी ज्वाइन करेगा। फिर 2010 में पूरा बीजेपी ज्वाइन किया, तो बीजेपी ज्वाइन करने के बाद हमने कितना दस साल से पहले हमने पूरा बीजेपी को हमने स्ट्रेंथन किया, बीजेपी के जितना अभी तक उसमें कौंसलर है, जितना भी लोग जुड़े हैं, तो हम लोगों की वजह से, थुपतान साहब की वजह से, थ्रिंग साहब की वजह से पूरा ले लद्दाख और बीजेपी में ज्वाइन किया है। तो इसके बाद हमें ये सबसे बुरी बात है, सबसे पहले इस इलेक्शन के दौरान हुआ कि इलेक्शन में किसको मैंडेट देगा, किसको नहीं देगा। फिर मैंने सोचा कि मैं 10 साल से मैं अपर लेग के लिए इतना ज़ोर शोर से मैं काम कर रहा था, इतना ज़ोर से मेरे को लोगों का मेरा प्यार था, बहुत बड़े ईमानदार के साथ मैंने काम किया, तो इस साल इलेक्शन के दौरान मेरे को पूरा मैंडेट का मेरे को पूरा ऊपर मेरा वो क्या कहते हैं, पूरा सोचा था कि इस साल भी मेरे को मैंडेट मिलेगा, मगर उन्होंने क्या किया, इसमें बहुत चालाकी बहुत किया उन्होंने, क्योंकि इस मेरे साथ दो तीन चार और लड़के लड़कियां उसका पैनल में नाम डाल दिया। फिर मैंने बोला कि नाम तो डाल दिया, फिर किसको मिलने के लिए मैंने जमयांग सिंह नमग्याल एमपी को बोला था कि मेरे को मिलना है कि नहीं मिलना है, उन्होंने बोला आपके लिए बहुत मुश्किल है इस साल, क्योंकि मैंने क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का ब्यूरो होता है, वो सिक्योरिटी बोलता है, उसकी क्या कहते हैं उसके बोलने से आपको जीतने का बहुत कम चांस है, तो इसलिए मैं देखूंगा, अगर मिलेगा तो 5 बजे आपको मैं क्या कहते हैं लिस्ट में होगा, नहीं तो इसमें बहुत मुश्किल है। फिर मैं 5 बजे तक सुनते रहा, 5 बजे के थोड़ा सा वो क्या 5 मिनट 10 मिनट में वो उसका लिस्ट आया,
सेकंड लिस्ट आया, उसमें मैंने देखा तो बिल्कुल मेरा नाम नहीं था। फिर मेरे को गुस्सा आया, फिर मेरे को सोचा कि आप देखो इसमें बड़े बड़े जो पहले से बीजेपी को स्ट्रेंथन किया, बीजेपी को स्ट्रॉन्ग किया, वो जो बूढ़ा हो गया वो सब अब निकलने की चांस यही पे होगा। फिर उन्होंने सोचा कि यही चांस हमें मिला इनको निकलने के लिए। फिर उन्होंने सोचा कि ए आदमी ए लामा को बिल्कुल आउट करो, इसमें और लड़की है वो क्या कहते हैं रिंचन लामो, उनका नाम आया। इसलिए मैं अभी बीजेपी इस ये भी मैं बोलूँगा कि सिख शेड्यूल के लिए हमने बहुत स्ट्रगल किया था। मैंने बोला कि सिख शेड्यूल हमें बोलना चाहिए था, बोला मैंने मैंने बीजेपी को सबके सामने बोला कि भाई आप सिख शेड्यूल को हमें प्रोटेक्शन होना चाहिए लद्दाख के लिए। लद्दाख दो दो क्या कहते हैं बॉर्डर के सामने है, इस वजह के हमें प्रोटेक्शन होना चाहिए। लोगों को जो जितना हमारा क्या कहते हैं जो भी हमारा यूथ को मिलना चाहिए, हमारा ज़मीन को प्रोटेक्शन होना चाहिए, हमारे कल्चर लैंग्वेज पूरे को हमें प्रोटेक्शन होना चाहिए। उसके लिए कोई नहीं सोचा कि उन्हें हाँ ये तो बाद में देखेगा, पहले हमें पार्टी को स्ट्रेंथन करना है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि थुप्तान साहब और ठिक्सर रिम्बोचे और थिरिंग दोर्जे और कांग्रेस का लीडर नवांग रिगजिन जोरा ने सबसे पहले उनको उन्होंने किया कि आप सिख शेड्यूल के बगैर हमें नहीं बैठना है। तो उसी की तरह फिर आम आदमी भी उसमें शामिल हो गया। फिर उसकी तरह पूरा लोग उसमें लद्दाख के जितना भी लोग है सोसाइटी ले वो सब लोग ये मुस्लिम भी है, मुस्लिम तो है एक क्या कहते हैं अंजुमान इमामिया इसमें शामिल है और क्रिश्चन भी शामिल है। हम लद्दाख के प्रोटेक्शन के लिए हमारे सिख शेड्यूल के लिए हमें पूरा आपके साथ ताउन है। फिर मैंने सोचा कि मेरे को आप मैंडेट नहीं मिलने से मेरे को थोड़ा गुस्सा भी है। फिर एक मैं पूरा ऐसे बैठा था तो एक कल शाम को स्कर्मा नमदाग ने मेरे को फ़ोन आया कि लामा जी आप हमारी पार्टी में। मैंने उसी समय बोला कि हाँ मैं आम आदमी में ज्वाइन कर रहा हूँ बोल के उसी समय बोला। फिर आज आया तो कोई भी कुछ भी बोलो मैं लद्दाख के लिए मैं पूरा काम करूँगा, सिख शेड्यूल के लिए हमें थुप्तान साहब और ठिक्से रिम्बोचे श्रिंग दोर्जे रिगजिन जोरा के और आम आदमी के साथ लद्दाख लोगों के सामने हमने शेड्यूल के लिए हमें पूरा ध्यान देगा, पूरा काम करेगा। आम आदमी जैसे दिल्ली में देखिए, आम आदमी इतना पुराना भी नहीं है, दिल्ली में केजरीवाल साहब है, केजरीवाल साहब ने बिल्कुल दिल्ली को चेंज करके रखा है। सबसे पहले मैं वो केजरीवाल को धन्यवाद उस लिए देगा कि एजुकेटेड वाले को पूरा उसके ध्यान दे के पूरा चेंज किया दिल्ली में, एजुकेशन बिल्कुल चेंज किया यूथ को या लोगों को। नया नया पार्टी होना चाहिए, यहाँ अपोजिशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर अपोजिशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आपने पहले कौंसल में देखा होगा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होने के वजह से जितना हमने ये भी बोला कि कौंसल में रह के मैं 5 साल 10 साल रह चुका हूँ, उससे पहले इतना मीटिंग करता था। इसके बाद कौंसल में जो बीजेपी का कौंसल आ गया एक मीटिंग भी अच्छी तरह से नहीं किया, दो ही जनरल कौंसल किए। फिर कैसे लद्दाख का प्रोग्रेस करेगा, लद्दाख का विजन कहाँ जाएगा? अगर मैं यही बोलूँगा कि आम आदमी अभी या नया नया है, इस नया को हमने बढ़ाना करना है, ऊपर ना करना है, उजाला करना है, पूरा लद्दाख और पूरा इंडिया में हमने ये आम आदमी को लद्दाख में जितना भी नौजवान है इसमें शामिल करके जितना भी हमारा यहाँ लोग खेती बाड़ी करना है ज्वाइन करने के लिए हमें जोरदार हम कोशिश करेंगे।